आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जो कि एक बहुत अच्छे फिलोसोफर, लिटरेचर, एक राइटर, जो कि उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया, जितना भी कह दे बहुत कम है, तो आज उनकी जयंती है। और आज के मौके पर आज मेरे साथ हैं बड़े भाई चंदन गुप्ता भैया जी, और आज इनसे हम जानेंगे कि उनकी जीवनी के बारे में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद मेरे छोटे भाई गुलाब जी। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से समस्त राष्ट्र को और विशेषकर अपने युवा साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय और आदर्श हम समस्त भारतवासी के युवाओं के लिए हमेशा आदर्श रहा है, आज उनके जयंती पर समस्त राष्ट्रवासी उनके श्री चरणों में कृतज्ञ हैं। और विवेकानंद जी जो भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक और नैतिक विचारों से धनी व्यक्ति के पुरुषार्थ थे, आज हम समस्त राष्ट्र को उनके नैतिक मूल्यों और विचारों को अपने जीवन में उतार कर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जब शिकागो गए, वहाँ पे जब उन्होंने एक स्पीच दी, उसमें जब बताया और उन्होंने जब सबसे पहला स्टार्ट किया कि भाइयों और बहनों, जी है कि जी, नहीं जी, जी, जब उन्होंने सबको ब्रिटिश वहाँ जब शिकागो गए तो वहाँ पे सबको एक इक्वल लेवल पे लेके गए, चाहे उनका ड्रेस सब कैसा भी हो, कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, कैसे लेवल पे, चाहे वो एजुकेटेड है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है सबको एक लेवल पे ले जाते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है इससे रिलेटेड? बिल्कुल, ये भारत और विश्व के लिए एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण थी। 1893 ईस्वी के विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी ने विशेषकर हमारे राष्ट्र के संस्कृति और राष्ट्र के आदर्शों का प्रतिनिधित्व किया था। और उस पटल पर, शिकागो धर्म सम्मेलन के पटल पर, उन्होंने जिस प्रकार से अपने राष्ट्र के, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को, यहाँ के नैतिक मूल्यों को और अपने राष्ट्र के सभी धर्मों, सभी जातियों के आदर्शों को, विचारों को जिस प्रकार से एक सूत्र में पिरो कर इन्होंने प्रस्तुत किया, इसके लिए समस्त विश्व उनका आभारी है। और उन्होंने अपने राष्ट्र के विचारों और मूल्यों को, के आदर्शों को जो प्रस्तुत किया, आज इस कारण से ही हमारा भारत एक विश्व गुरु की श्रेणी में आकर आज खड़ा हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और जहाँ जब आती है कि उनके बारे में उन्होंने बहुत सारा कोटेशन दिया, उनके बारे में जितनी तारीफ कर ले कम है, हाँ एक ये भी बात आती है कि हमें उन्हें रोल मॉडल मानना चाहिए, लेकिन आज करके जो, आज तो युवा दिवस है, आज करके युवा इस लेवल पर चले गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, एक फन है, लेकिन उस पर जाके हम अगर किसी ने वीडियो बनाया उस पर वायरल हो गया तो उस पर हम उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए? ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण है आज के हमारे समाज के लिए कि आज हमारे, विशेषकर हम भारत के युवा वर्ग, अपने जो महान वीर थे, जो आदर्श थे, जो जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों और विचारों से हमारे राष्ट्र को इतना गौरवान्वित किया, हम उनके आदर्शों और विचारों को भूल कर आज छोटे मोटे कलाकारों या अन्य लोगों को अपना आदर्श और आइडियल बना चुके हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और विशेषकर मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से अपने देश के सभी युवाओं को हमेशा एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि आप विवेकानंद जी को पढ़ें, समझें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। विवेकानंद जी ने समाज के समस्त मानव जाति, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, गरीबों, पिछड़ों के लिए और विशेषकर एक सामाजिक सौहार्द के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, शायद आजीवन हम भारतवासी उनके कार्यों के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। और आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विवेकानंद जी के आदर्शों को, विचारों को दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन में उतारने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने कहा संकल्प के बारे में, हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके, उनको जो अपना रोल मॉडल मानना चाहिए अपने लाइफ का, और ऐसा कुछ वर्क करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए, औरों के लिए, हमारे अपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करें, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, किसी में जाके बहुत अच्छा हमें काम करना चाहिए। तो आज अभी देखें कि अब जो स्वामी विवेकानंद जी है उनसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी बिल्कुल बहुत सारा एडवाइस लिया, चाहे वो निकेल टेस्ला हो, जमशेदजी टाटा हो, उन्होंने बहुत सारा जो है उनसे एडवाइस लिया, उन्होंने बहुत सारा सलाह भी दिया। तो वो अभी देखे कि वो साइंस कितने लेवल पे चली गई है। तो हमें भी आज चाहिए कि हमें युवा दिवस आज जो है संकल्प लेना चाहिए, हमें भी कुछ करना है, चाहे वो हम किसी फील्ड में हो, चाहे जो पढ़े लिखे नहीं उन्हें पढ़ाना है, कोई मजदूर है तो उनकी मदद करनी चाहिए, है कि नहीं? तो आज हमें एक संकल्प लिया जैसे हमने कि हमें कुछ करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको समझ आया शेयर करें। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरे बड़े भाई
चंदन गुप्ता जी को कि आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और हमारे राष्ट्र में विशेषकर एक सामाजिक सौहार्द और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों के लिए एक आदर्श नैतिक एक रूपरेखा तैयार की ताकि हम अपने समाज में जाति और धर्म जैसे कुप्रथाओं से ऊपर उठकर अपने समाज के आदर्शों को उच्च विचारों पर ले जाए और समाज को जब शिक्षित करेंगे तो हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा और जब हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा तो हम विश्व में अपने आदर्शों को अपने देश को एक अच्छे रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। जी, बहुत 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 अच्छा कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद गुलाब जी।